गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट पार्ट। हमने इससे पिछली क्लास में आइसोमेरिज्म में रेडिकल और क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था और स्ट्रक्चरल के हम पार्ट आज डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल में फर्स्ट आइसोमेरिज्म होती है चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड होती है पोजिशन आइसोमेरिज्म, थर्ड फंक्शनल पढ़ सकते हैं, फोर्थ रिंग चेन पढ़ सकते हैं, फिफ्थ मेटामेरिज्म पढ़ सकते हैं और सिक्स्थ कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। तो हम यहाँ पर पोजीशन को बाद में पढ़ेंगे क्योंकि पोजीशन थोड़ी सबसे बड़ी आइसोमेरिज्म है। उससे पहले हम छोटी छोटी आइसोमेरिज्म को खत्म करेंगे। तो आज के टॉपिक का फर्स्ट सब टॉपिक है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म को हम पहचाने कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करें? तो वो अगर दो कंपाउंड जिनके मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो तो वो आइसोमर हो गए, और अगर उनकी आईयूपीएसी नेम लिखते समय, अगर आईयूपीएसी नेम लिखते समय उनकी चेन, मेन चेन जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, अगर वो डिफरेंट होती है तो हम उसको चेन आइसोमर मान लेते हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म के लिए हमें देखना क्या है आइसोमर्स का। तो सबसे आसान तरीका यह है कि सबसे पहले तो आप देखो क्या उसका फॉर्मूला या उसमें एटम सेम है। अगर एटम सेम है तो वो आइसोमर होगा। अब चेन को कैसे देखेंगे? आइसोमर्स का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और साइड चेन भी सेम होगी। सिर्फ क्या अलग होगा? पेरेंट कार्बन चेन अलग हो। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था C4H10 के टू आइसोमर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एन ब्यूटेन और दूसरे को हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये आपस में चेन आइसोमर्स हैं? तो चेन आइसोमर्स देखने के लिए हमने इसकी लॉन्गेस्ट चेन निकाली। इसकी लॉन्गेस्ट चेन में फोर कार्बन है इसलिए इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा, लेकिन इसकी लॉन्गेस्ट चेन में थ्री ही कार्बन है, टोटल कार्बन फोर है। तो ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स होंगे। हम पेंटेन के भी कुछ आइसोमर्स आपस में बनाकर देखें। हमने यहां पर ये फाइव कार्बन की चेन बना ली और नेक्स्ट में हमने क्या देखा कि हमने फोर की ही बनाई। तो आप देखो चेन की लेंथ अलग हो गई, तो ये चेन आइसोमर्स हो गया आपस में क्योंकि इसमें फोर कार्बन है, ठीक है ना, और इसमें फाइव कार्बन। क्लियर? अब हम हेक्सेन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। हेक्सेन का एग्जाम्पल लिया मैंने ये और यहां पर एक कार्बन लगा दिया, तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जो फाइव कार्बन, फिर हमने एक और चेन सेलेक्ट की ये भी फाइव की है। अब ये चेन आइसोमर्स नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन सेम है, फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन की पोजीशन अलग अलग है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स है। तो चेन आइसोमर्स आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसका आईयूपीएसी नेम लिखो और लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को डिस्कवर करो और आपस में देखते हैं, और वो है ये CH3O, ठीक है ना। ये हमारे इथर का फॉर्मूला है और ये दूसरी इथर का फॉर्मूला। क्या ये आपस में चेन आइसोमर्स हैं? क्या ये आपस में चेन आइसोमर्स नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में थ्री कार्बन एटम, लेकिन यहां पर भी थ्री ही निकले, मतलब दोनों की पेरेंट चेन सेम है, इसलिए ये और ये आपस में चेन आइसोमर्स नहीं होंगे। ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स होंगे क्योंकि यहां पर इस मिथॉक्सी ग्रुप की पोजीशन टू है और जबकि इसमें वन मिथॉक्सी प्रोपेन है, तो ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स होंगे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, अब ये चेन आइसोमर्स हो जाएंगे क्योंकि
क्योंकि पेरेंट चेन बदल गई है, इसमें पेरेंट चेन 3 कार्बन की है जबकि इसमें पेरेंट चेन 2 ही कार्बन की, सॉरी। तो चेन आइसोमर देखने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि हमें उसकी पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। अगर पेरेंट चेन अलग है तो वो चेन आइसोमर होगा। यहां पर हम कुछ एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। एग्जांपल ये हमारी 1-ब्यूटीन है, इसमें 4 कार्बन है और 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड। अब मैंने एक दूसरा कंपाउंड बनाया, इसमें भी 4 कार्बन की ही चेन है लेकिन डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पर है, इसलिए ये चेन आइसोमर्स नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको ऐसा कर दिया, अब ये भी चेन आपस में चेन आइसोमर्स है और ये भी आपस में चेन आइसोमर्स है। रीजन, इसमें 3 कार्बन की चेन है और इसमें 4 कार्बन की चेन, इसमें 3 कार्बन की चेन है, इसमें 4 कार्बन की चेन है। तो यहां पर हमने मोटा मोटा ये सीख लिया है, चेन आइसोमर्स देखने के लिए हमें आईयूपीएसी नेम लिखो और अगर पेरेंट चेन एंड वाली चेन सेम नहीं आ रही है तो वो फिर आपस में चेन आइसोमर्स होगा। चेन आइसोमर्स के बाद में नॉर्मली सारे लोग पोजीशन आइसोमर्स पढ़ाते हैं, पर हम समझेंगे पहले फंक्शनल आइसोमरिज्म, पहले आसान आसान निपटा लेते हैं और फिर एक हार्ड टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट आइसोमरिज्म हम पढ़ेंगे वो होगी फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में टीचर का काम कम और बच्चे का काम ज्यादा होता है। टीचर का काम सिर्फ इतना ही होता है बताना। फंक्शनल आइसोमेरिज्म को सीखने के लिए स्टूडेंट को उसके आइसोमर याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। हम ऐसा इसमें कोई भी चीज डिस्कस नहीं करते जो बच्चे को कंफ्यूज करे। हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी के लिए। और आपको अगर MCQ क्वेश्चन करने हैं और नीट JEE या कोई फर्स्ट ग्रेड नेट निकालनी है तो आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कंसेप्ट फिक्स होने चाहिए, स्टेबल कंसेप्ट होना चाहिए। ये नहीं कि जरा सा उसने इधर और उधर किया और हम बदल गए। तो जो सेकंड आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे हैं वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का पहला वो है, पहला कंसेप्ट है मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा जो आइसोमर्स में होता ही है। दूसरा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। फंक्शनल ग्रुप हमेशा डिफरेंट बनेगा तभी फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी। और कभी कभी कुछ टीचर ऐसे फंक्शनल ग्रुप बना देते हैं जो नॉर्मली हमें नहीं मिलते, तो अब वो फंक्शनल आइसोमर है या नहीं या हम गलत चॉइस को एलिमिनेट कैसे करें। तो आप एक ट्रिप याद रखना कि दोनों फंक्शनल आइसोमर्स में डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड इक्वल होने चाहिए। ये एलिमिनेट करने का तरीका है जब आपको आइसोमर समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है ना। देख लो दोनों में पाई बॉन्ड अगर इक्वल है तो वो आपस में फंक्शनल आइसोमर होगा, अदरवाइज नहीं। तो हम शुरू करते हैं फंक्शनल आइसोमर्स में मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। तो सबसे पहला चैप्टर है एल्केन। एल्केन का कोई भी फंक्शनल आइसोमर नहीं है, क्लियर। दूसरा है हमारा एल्कीन। एल्कीन का फंक्शनल आइसोमर्स नहीं माना जाता है लेकिन फिर भी अगर वो पीछे पड़ जाए तो साइक्लो एल्कीन, एल्कीन का फंक्शनल आइसोमर्स हम साइक्लो एल्कीन मान सकते हैं, है नहीं। ये रिंग चेन का पार्ट है क्योंकि पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड रिंग के बराबर होती है, इसलिए इसमें पाई बॉन्ड हम बराबर मानकर इसको फंक्शनल आइसोमर मान सकते हैं, है नहीं, ये ध्यान रखना।
अगला चैप्टर है एल्काइन्स। एल्काइन्स वो होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो एल्काइन्स का जो दूसरा आइसोमर होगा वो डाइईन होगा। यहां पर दो पाई बॉन्ड, यहां पर भी दो ही पाई बॉन्ड। तीसरा आइसोमर साइक्लो एल्कीन मानते हैं, लेकिन ये रिंग चेन में आ जाता है। और फोर्थ आइसोमर बाई साइक्लो कंपाउंड मानते हैं, ठीक है ना। बाई साइक्लो कंपाउंड को भी आइसोमर मानते हैं। तो एल्काइन्स के टोटल चार आइसोमर्स हो गए। या जो एल्काइन का फॉर्मूला होगा, जैसे C4 और H6, तो ये एल्काइन्स का मॉलिकुलर फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन आ जाए कि इसके कितने फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 1 2 3 4, ये फोर आइसोमर्स इसके फंक्शनल माने जाए। हम आगे चलेंगे और देखेंगे अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का फंक्शनल आइसोमर होता ही नहीं है, क्लियर। हम चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर इथर होता है। अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर इथर होता है, और इसके लिए मिनिमम कार्बन 2 होने चाहिए। 1 कार्बन वाला अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा, मीन्स मिथेनॉल का फंक्शनल आइसोमर कोई भी नहीं होगा। इसके बाद हम चलेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एल्डिहाइड कीटोन। यहां पर हम एक बात और सीख सकते हैं, हमें कैसे पता लगे कि ये अल्कोहल है। तो देखो, एल्केन के फॉर्मूले में अगर ओ लगा दे तो अल्कोहल बन जाए। जैसे मैंने लिखा C4H10 जो ब्यूटेन का फॉर्मूला है, और मैंने इसमें ओ लगा दिया, तो एल्केन के फॉर्मूले में अगर ओ जोड़ देंगे तो अल्कोहल और इथर बन जाते। हमने पार्ट वन में सीखा था कि ब्यूटेन के फोर रेडिकल होते हैं, तो अगर इससे पूछे अल्कोहल कितने बनेंगे, तो इससे अल्कोहल बनेंगे 4, और ब्यूटेन के 3 डाया रेडिकल बनते हैं, मतलब जिसमें 2 हाइड्रोजन हटाएंगे या 2 वैलेंसी हो। तो इथर बाय रेडिकल है तो 3 इथर, ठीक है ना। फिर से बोल देता हूं, ब्यूटेन के 4 मोनोरेडिकल और 3 बाई रेडिकल बनते हैं। अब अगर हमने एल्कीन लिया और एल्कीन में ओ जोड़ दिया तो एल्डिहाइड और कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्डिहाइड और कीटोन बन जाता है। एग्जाम्पल C4H8 जो एक एल्कीन का फॉर्मूला है, और मैंने इसमें ओ जोड़ दिया, तो एल्कीन में ओ जोड़ते ही हमें पता लग गया कि ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्डिहाइड और कीटोन को। अब इसके कितने फंक्शनल आइसोमर होंगे, ठीक है ना, आजकल यही हॉट क्वेश्चन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के टोटल 7 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से मैं यहां लिखता जाता। फर्स्ट हमारा हो गया एल्डिहाइड, सेकेंड हो गया कीटोन, थर्ड हो गया अनसेचुरेटेड अल्कोहल, नेक्स्ट हो गई अनसेचुरेटेड इथर, चार हो गए। नेक्स्ट हो गया साइक्लिक अल्कोहल, और नेक्स्ट हो गया सिक्स्थ हो गया साइक्लिक इथर, और सेवेंथ हो गया इपॉक्सी। इस वाली चॉइस से एक और क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन ऐसे बनता है CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CHOH, क्या ये इस
कीटोन का फंक्शनल आइसोमर होगा? नहीं। कैसे पता लगा? अगर OH डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, अगर OH डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है तो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म होती है। इसका मींस हुआ कि ये नहीं होगा। तो टोटल कितने आइसोमर हो गए? 7। अगर हम इस फॉर्मूले को C3H6O में बदल दें, तो एल्कीन में जब हमने O जोड़ा तो हमको पता लगा कि एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इससे कितने फंक्शनल आइसोमर्स बनते हैं, तो C4H8O से 7, लेकिन C3H6O से 6 ही आइसोमर बनते हैं। इसका मींस हुआ इनमें से कौन नहीं बनेगा, इसमें से साइक्लिक ईथर नहीं बनेगी C3H6 में, क्योंकि रिंग बनाने के लिए हमें मिनिमम 3 कार्बन चाहिए ही चाहिए, और ईथर बनाने के लिए और एक एक्स्ट्रा कार्बन। तो C3H6 से 7 के बजाय 6 ही फंक्शनल आइसोमर्स बनेंगे। और बेटा फंक्शनल आइसोमर कौन होगा, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आप इसको याद नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट, अगर हमने एक एल्कीन में 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए तो वो एसिड या एस्टर या हाइड्रोक्सी कीटोन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हमने जोड़ दिया C2H4, या इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, C3H6 एल्कीन हो गया और इसमें 2 O2 जोड़ दिए, तो ये एसिड और एस्टर को रिप्रेजेंट करता है। एसिड और एस्टर में फंक्शनल आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम कार्बन 2 होने चाहिए। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिड में कितने मिनिमम कार्बन होने चाहिए जिससे वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखा दे। तो बच्चों को लगता है 3 होंगे, पर नहीं, 2 में ही वो फंक्शनल आइसोमर्स बना सकता है। तो देखो ये हो गया हमारा एसिड और ये बनेगा फॉर्मिक एस्टर। फॉर्मिक एस्टर नॉर्मली बच्चे के दिमाग में नहीं होता, इसलिए वो यहां पर गलती कर देता। तो एसिड का फंक्शनल आइसोमर एस्टर होता है और उसमें मिनिमम कार्बन की नंबर 2 होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम C3H6O2 से बनाएंगे तो पहला आइसोमर फंक्शनल आइसोमर एसिड बन जाए, दूसरा फंक्शनल आइसोमर एस्टर बना सकते, और तीसरा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बनाया जा सकता। ये कीटोन बन गया और ये हाइड्रोक्स, ये पाई बॉन्ड की कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। एक पाई बॉन्ड। तो फंक्शनल आइसोमर्स कभी अगर फंस जाए तो आप समझ जाओ कि उसमें पाई बॉन्ड चेक करने, अगर पाई बॉन्ड बराबर नहीं है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। मैं एग्जांपल की हेल्प से बाद में समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आइसोमर हम देखते हैं अमाइन का, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हो। प्राइमरी अमाइन वो होती है जिसमें NH2 हो, सेकेंडरी अमाइन वो होती है जिसमें NH हो, और टर्शियरी अमाइन वो होती है जिसमें N हो। यहां पे क्वेश्चन बनता है कि C4H10N, मतलब अगर हमने एल्केन में नाइट्रोजन जोड़ दिया, एल्केन के फॉर्मूले में ऑक्सीजन जोड़ दिया तो अल्कोहल इथर, और एल्केन के फॉर्मूले में अगर हमने नाइट्रोजन जोड़ दिया तो अमाइन का फॉर्मूला बन जाता।
इससे हमें पता है कि ब्यूटेन के चार रेडिकल बनते हैं, ये हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था, आज भी दो बार बता चुके। तो ब्यूटेन से या फोर कार्बन से टोटल फोर प्राइमरी अमाइंस का फॉर्मेशन होगा। इससे तीन सेकेंडरी अमाइन बनेंगी। बायरेडिकल है तो ब्यूटेन के बायरेडिकल हमेशा तीन होते हैं और एक टर्सरी अमाइन बन जाए। तो अगर हम चाहें तो देख सकते हैं ये फर्स्ट प्राइमरी अमाइन और ये दूसरी प्राइमरी से। यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है और कुछ बच्चे इसको सेकेंडरी अमाइन मान लेते, क्योंकि NH2 सेकेंडरी अमाइन से। यहां बच्चे की गलती नहीं है, पूरे बुक में जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है हम उसको वही मानते हैं, सिर्फ एमाइन में ऐसा नहीं है। एमाइन में अगर NH2 है तो प्राइमरी अमीन, NH है तो सेकेंडरी अमीन, और N है तो टर्सरी अमाइन होता है। टर्सरी अमाइन को नाइट्राइलो भी कहते हैं, इसको कहीं नोट कर ले। तो दूसरा हमारा बनेगा वो होगा ये, और तीसरा इससे जो फोर्थ बनेगा वो होगा ये। तो ये फोर प्राइमरी अमाइंस का फॉर्मेशन हो गया। अब हम इससे तीन सेकेंडरी अमाइन भी बना सकते। ये NH बना लिया जो सेकेंडरी अमाइन को, और ये बायर रेडिकल है। बायर रेडिकल का मीन्स जिसमें दो वैलेंसी फ्री हो। ये मेटामेरिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि मेटामर बनाने के लिए बाया फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें दोनों तरफ कार्बन की चेन। तो फर्स्ट केस में हमने दोनों तरफ कार्बन कार्बन लगा दिया, दूसरे वाले केस में कार्बन इधर लगा दिया और दूसरा इधर लगा, और तीसरा आइसोमर बनाने के लिए ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसमें टू कार्बन की चेन और इसमें थ्री कार्बन की चेन, लेकिन ये और ये आपस में चेन आइसोमर्स नहीं होंगे। रीजन, क्योंकि यहां पर दोनों ही केसेस में चेन थ्री कार्बन की, तो चेन आइसोमर्स बनाने के लिए फंक्शन चेन आइसोमर्स बनाने के लिए IUPAC नेम में पेरेंट कार्बन की चेन डिफरेंट होनी ही चाहिए। हमने यहां पर अमाइन के फंक्शनल ग्रुप देखे हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे नाइट्रो। ये नाइट्रो ग्रुप है और नाइट्रो का फंक्शनल आइसोमर ये आजकल ये कोऑर्डिनेशन में बहुत पूछा जाता है, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो जो भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, वो आपस में आइसोमर बना ले। इसी सीरीज में दूसरा होगा CN और NC। साइनाइड का आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर आइसोसाइनाइड या कार्बाइल एमीन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एमाइड और ऑक्सिब, ये इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा एमाइड है और ये हमारा ऑक्सिब। पहला क्वेश्चन, क्या ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं? किसी भी आइसोमर्स को देखने का सबसे ढक्कन तरीका ये है कि एटम काउंट कर लो, एक कार्बन एक कार्बन, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रो, ठीक है ना। 2H, इसमें भी 2H, इसमें भी 2H। एच अगर बराबर है, एटम बराबर है। अब कभी कभी कुछ बुक्स में मैंने ऐसे देखा कि ये तो NH2 बना दिया और ये OH। अब क्या ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है क्या? या इससे भी बेटर बताता हूं, ये CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये है एल्केनॉइल क्लोराइड।
और इसका आइसोमर्स ऐसे करके कीटोन को बना देते तो हम इसमें कार्बन बढ़ा लेते हैं टू और ये थ्री, कि क्या ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है क्या? हाँ ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं, क्लोरोकीटोन और एल्केनॉइल क्लोराइड, क्योंकि ये पाई बॉन्ड की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ये पाई बॉन्ड की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी में पाई बॉन्ड इक्वल है तो वो फंक्शनल आइसोमर्स आपस में हो सकता है। तो फंक्शनल आइसोमर्स का काम बच्चे का टीचर से ज्यादा है, यहां समझने को कम और याद करने को ज्यादा है कि एल्डिहाइड कीटोन के कितने आइसोमर्स होंगे। एल्डिहाइड कीटोन के टोटल आइसोमर 7 होते हैं 4 कार्बन पे, लेकिन अगर 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड बने तो उससे 6 फंक्शनल आइसोमर्स ही पॉसिबल है, क्योंकि साइक्लिक इथर बनाने के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, ठीक है ना। तो फिर से रिपीट करता हूँ, एल्केन का कोई आइसोमर नहीं, एल्केन का फंक्शनल आइसोमर नॉर्मली होता नहीं, लेकिन फिर भी कोई टांग पकड़ के पीछे पड़ जाए तो साइक्लो एल्केन। एल्काइंस का फंक्शनल आइसोमर डाइईन होता है, इसके अलावा भी टांग पकड़ के पीछे पड़ जाए तो साइक्लो एल्कीन और बाई साइक्लो एल्केन, ठीक है ना। एल्काइल हैलाइड का कोई फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होता, अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर्स इथर, एल्डिहाइड कीटोन अनसैचुरेटेड अल्कोहल अनसैचुरेटेड इथर, साइक्लिक अल्कोहल साइक्लिक इथर और इपॉक्सी आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। एसिड एस्टर और हाइड्रोक्सी कीटोन आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, या एसिड का कोई भी डेरिवेटिव, एसिड का कोई भी डेरिवेटिव कीटोन या एल्डिहाइड के सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड कीटोन का फंक्शनल आइसोमर्स होगा। जैसे ये एसिड का डेरिवेटिव है तो क्लोरो कीटोन या एल्डिहाइड, ऐसे ही अगर एमाइड होता तो अमीनो कीटोन या अमीनो एल्डिहाइड आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होगा। एमाइड का फंक्शनल आइसोमर ऑक्सेन होता है, और ये इंपॉर्टेंट, ये हमको आना ही चाहिए, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जाकर काम आएगा कि एमाइड का कौन सा फंक्शनल आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। अब अगर आपको ये बात याद नहीं है और आप वहां बनाकर देख रहे हैं, आप ऑक्सिम में ही फंसे पड़े हैं, तो जो ऑक्सिम में अगली कंडीशन आएंगी देखने की, तो आपको दो दो कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए आज ही आप याद कर लें, एमाइड एल्डिहाइड कीटोन एसिड अल्कोहल एसिड और एस्टर और अल्कोहल और इथर, ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा नाइट्रो का फंक्शनल आइसोमर नाइट्राइट होता है, और साइनाइड का फंक्शनल आइसोमर आइसोसाइनाइड होता है। आइसोसाइनाइड को आजकल हम आइसोसाइनाइड को आजकल हम कार्बाइल एमीन के नाम से जानते, यहीं पर हम लगे हाथों एक थर्ड आइसोमेरिज्म भी खत्म कर रहे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में 2 इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे जिनका नाम है पोजीशन और केटोइनॉल आइसोमर। तो जो हमारी थर्ड है उसका नाम है मेटा मर या मेट, ठीक है ना, मेटा आइसोमेरिज या मेटामेरिज। मेटामेरिज्म की जो एसेंशियल कंडीशन है वो है कि बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। हिंदी में इसे कहते हैं द्विउ संयोजी क्रियात्मक समूह होना चाहिए, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें दोनों तरफ कार्बन की चेनें चलती है। एग्जाम्पल, जैसे पहला है इथर, पहला है इथर, दूसरी बात फिर फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करते। मेटामर बनाने के लिए
एक कार्बन का एडजस्टमेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो मैं एक आपको यहीं पे बनाकर दिखाता हूं, फिर डिटेल में देखें। ये मेटामेरिज्म दिखाएगा, यस, क्योंकि ये बायवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब इसका मेटामर बनाने के लिए यहां से एक कार्बन को इधर या इधर से एक कार्बन को इधर ले। तो मैं जब इस कार्बन को इधर ले गया तो देखो ये मेटामर बन गया। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात और भी है कि मेटामेरिज्म के साथ में पोजीशन या चेन भी होगी, लेकिन हम मेटामर्स को प्रेफरेंस देंगे। अगर सिंगल चॉइस करनी है तो मेटामेरिज्म करेंगे, और अगर चॉइस में दो दो चॉइस हैं तो चेन और पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। इसमें टू कार्बन की चेन है, इसमें थ्री कार्बन की चेन है, इसलिए ये मेटामर के साथ साथ चेन आइसोमर्स भी है। क्लियर। हम इस CH2 का एडजस्टमेंट ऐसे भी कर सकते। अब ये जो दो है वो मेटामर के साथ साथ पोजीशन आइसोमर्स भी है, तो मेटामेरिज्म के साथ साथ हमेशा पोजीशन और चेन आइसोमर्स बनेगा ही बनेगा, तो ये आप साथ में देख सकते। तो हम चेक करते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप बायवेलेंट हो। तो पहला है हमारा इथर, दूसरा है किटोन, तीसरा है एस्टर, चौथा है एमाइड। भी बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। इसके अलावा सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, टर्सरी अमीन और सेकेंडरी अमीन भी। नेक्स्ट हमारा थायो इथर, थायो इथर भी बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम भी लिख देता हूं थायो इथर। आयो इथर का आयुपिक नेम बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इसका आयुपिक नेम क्या होगा। तो थायो इथर का आयुपिक नेम होता है डाई अल्काइल सल्फाइड, सो इट्स नेम, इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल सल्फाइड। इसके अलावा भी एक और फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम एनहाइड्राइड कहते हैं, तो एनहाइड्राइड भी मेटामेरिज्म दिखाए। आपके क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं वहां पर, आइसोमेरिज्म में या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सिर्फ यही चेक किया जाता है कि क्या इसको पता भी है। एग्जाम्पल, हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH2 CO CH2 CH3, पर हमेशा याद रखना मेटा के साथ पोजीशन या चेन भी होगी हमेशा। तो मैंने क्या किया, इसका नया आइसोमर बना दिया। अब ये कौन सी आइसोमेरिज्म दिखा रहा, यहां पर कीटो ग्रुप 3 पोजीशन पे था, यहां पर 2 पर है, तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, लेकिन हमने CH2 को यहां से वहां भेज दिया है, कार्बन की चेन की लेंथ बदल गई है, तो ये मेटामर भी है। तो ये कौन कौन सी दो आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, मेटामेरिज्म प्लस पोजीशन। तो जहां पे भी मेटामेरिज्म होगी वहां पर पोजीशन आइसोमेरिज्म या चेन आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल पॉसिबल नहीं होगी ही होगी। क्लियर। तो हमने आज की क्लास में 3 आइसोमेरिज्म डिस्कस करी है। फर्स्ट चेन, चेन के लिए समरी में यह है कि IUPAC नेम में लॉन्गेस्ट चेन अलग अलग होनी चाहिए। सेकेंड, फंक्शनल आइसोमर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, 4 कम से कम फंक्शनल आइसोमर्स आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अल्कोहल और इथर, एल्डिहाइड, कीटोन, साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक इथर, अनसेचुरेटेड इथर, अनसेचुरेटेड अल्कोहल और इपॉक्सी। एसिड का एस्टर और हाइड्रोक्सी कीटोन,
और इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमाइड का फंक्शनल आइसोमर सॉक्सिम होता है, जो यहां नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जाकर हमें फायदा दे। मेटामेरिज्म के लिए बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। बाइवेलेंट फंक्शनल का मतलब है जिसमें दोनों तरफ कार्बन की चेन चलती है, और ऐसे बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट इथर, तो हम यहाँ पर इनको लिखते भी जाते हैं इथर, दूसरा किटोन। एल्डिहाइड इसमें नहीं आएगा क्योंकि एल्डिहाइड मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड में कार्बन की चेन एक ही साइड में चलती है, ये एस्टर, एस्टर के बाद में एमाइड, एमाइड में सेकेंडरी और टर्सरी एमाइड दोनों आ सकते हैं, सेकेंडरी एमाइन और टर्सरी एमाइन, ये थायो इथर, ये एनहाइड्राइड, और ये वो पोर्शन है जो हमको याद करना पड़ता है। यहां पर दिमाग कम याद किया हुआ ज्यादा काम आएगा कि बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से, तो वो पूछ लेगा कौन मेटामेरिजिन दिखाएगा, तो आपको याद होना चाहिए इधर कीटोन, एस्टर, एनहाइड्राइड, सेकेंडरी एमाइन, एनहाइड्राइड, ये सब मेटामेरिजिन। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पोजीशन के ही बनते हैं, और पोजीशन के बाद उसी क्लास में डिस्कस करेंगे केटो इनॉल आइसोमेरिज्म। अगली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने के लिए। कौन सी डिस्कशन? किटोइनॉल और पोजीशन आइसोमेरिज्म।